वाहेगुरु जी की फतेह। सो प्यारी साध संगत जी, जो आप जी ने इतिहास श्रवण किया है, उत्तराखंड की धरती से हरिद्वार हाकी पौड़ी ते नाल ही गुरद्वारा साहब उस तो बाद बनिया, ते जिथे लखां संगतां आ करके रोजाना गुरु साहब जी की बाणी सुन दियां, बाणी दे लड़ लगदियां, दूरों आईया गई संगतां नूं लंगर मिलदा, रहन नूं थां मिलदी, बड़ी बख्शिश बड़ी रहमत होंदी। 1984 दे विच जदों दंगे होए, उदों कुछ शरारती अंसरां ने उस गुरद्वारे नूं ढा के मलिया मेट कर दिता। उस गुरद्वारा साहिब दी कोई भी निशानी नहीं रहन दित्ती, ते ओ धरती जिथे जाए वह मेरा सतगुरु, सुथान सुहावा राम राजे। अज असी रोजाना गुरद्वारियां दे विच स्टेजां दे उत्ते एक पंक्ति पढ़ते हाँ कि जिथे गुरु साहिब जी जाके बैठ जाते ने, वो जगह पूजन योग हो जाती है, ते ओ धरती अज पुकार पुकार के सिख संगतां नूं नानक नाम लेवा नूं कह रही है कि बाबे नानक दा नाम लेके तुरन वाले लोगो, अज मैनू बंजर बना करके ये जगह ते पवित्र अस्थान नूं ढा करके अज बिल्डिंगां बना दित्तियां ने, अज गवर्नमेंट दे दफ्तर बना दिते गए ने, अज मेरे ते जिथे किते रहमतां हुंदियां सी, बाणी दा जाप हुंदा सी, अज ये जगह ते होटल बन गए ने, ते मेरी समूह संगतां दे चरणां च बेनती है कि मैनूं आजाद कराओ, दुबारा मेरे इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश होवे, गुरु साहिब दी रहमत होवे। अज इत्थे आके सिख संगतां पुछदियां ने कि असी जी जगह ते गुरु साहिब जी आए, उस गुरद्वारा साहिब जाना, ते ओ गुरद्वारा साहिब ही नहीं है। सो ओ गुरद्वारा साहिब बनाउण दे लई गुरु साहिब जी ने आप बड़िया संगतां ते कृपा कीती, सिखां ते कृपा कीती, एहसास होया ओ इस मोर्चे दे विच आ करके अगे होके आए, जिन्हां ने अंदर महाराज जी ने वस के यह आवाज उठाई कि नानक नाम लेवा सिखो, इस जगह ते गुरद्वारा साहिब बनाओ ताकि असी दर्शन कर सकीए। संत समाज कुछ सिख श्रद्धालु अगे आए कि यह गुरद्वारा सानू दे दो, यह साडे बाबे नानक की जगह है, असी इस जगह तो बैठ के सच का नारा लाना है, यह जगह पर बैठ के जो इत्थे आएगा उन्हें लंगर छकाना है, जो इत्थे आएगा यात्रू बन के आएगा, क्योंकि गुरबाणी का फरमान है अव्वल अल है नूर उपाया कुदरत के, सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, ना को बैरी ना है बेगाना, साढ़े सारे अपने ने, जो भी आएगा उन्होंने इत्थे कृपा होएगी। ते ओ जगह दे उत्ते गुरद्वारा साहिब बनाउण दे लई अज कोशिशां हो रही ने, गुरु साहिब जी आप विचर के साडे तो संगतां तो श्रद्धालुआं तो कृपा करा रहे ने। सो आओ अज जिन्ने असी बाबे नानक का नाम लेवा हाँ, भावें
सिख संगत हाँ, भावे कोई मोना है, भावे किसी भी धर्म का है, वह बाबे नानक के नाम नाल चलता है। वो सारे जने अगे आइए, जिन्हें सेवादार ने, कोई ग्रंथी सिंह जी ने, कथावाचक ने, रागी ने, रागी साहबान, ढाडी साहबान, साडा सारे का फर्ज बनता है कि असी हर एक स्टेज के उत्ते इतिहास सुनाइए कि बाबे नानक का अस्थान बनाइए। असी यह नारा लगाइए कि बाबे नानक का अस्थान बनाइए। असी सब तो उपर जोड़े जथेदार ने, साडे लीडर ने, उन्होंने बेनती करिए कि तुसी कौम दे हीरे हो, तुसी कौम दे मोढ़ी हो, ते तुसी आप अगे हो के आओ। तुहाडा फर्ज बनता है सिख समाज दियां, पूरी दुनिया दियां तुहाडे ते आसां ने कि सिख समाज ने तुहानू अगे लाया होया है। तुसी आप अगे होके संगतां दे नाल चल के ओ अस्थान की उसारी करवाओ। जिन्हें भी नानक नाम लेवा सिख ने, संगत ने, असी सारिया ने जो साडा धुरा है, छेवे पातशाह महाराज ने जो ओ अस्थान की सिखो, तुहाडा अस्थान अकाल तख्त साहब है, जिथों पंथ दे फैसले ले जाने ने। बेनतियां करिए कि अकाल तख्त ते बैठे हुए जथेदारों, अज 27 साल हो चुके ने ओ जगह ते बिल्डिंगा बनाइया नू, अज 1 जनवरी 2012 हो चुकी है, पर साडे कोल ओ गुरुद्वारा साहब नहीं आया। ते आप जी सारे जने अगे आके ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ, समुचा वर्ल्ड, समुचा संत समाज अकाल तख्त साहब दे नाल है। असी तुहाडे पिछे लग के अकाल तख्त साहब तो जो हुक्म होएगा, असी उस हुक्म दे ताबेदार बनते हुए उस गुरद्वारा साहब भी हीरा कत के दर्शन करना चाहते हैं। आप जी साडी झोली वो अस्थान पा दो, साडियां बेनतियां ने, वो साडा अस्थान साडी झोली पा दो। जिन्हें भी नानक नाम लेवा सिख ने रल के अगे आओ, जो आएगा वो गुरु साहब दियां खुशियां प्राप्त करेगा, जो पिछे रह जाएगा उन्हें पछताना पड़ेगा कि यह किसी का कार्ज नहीं, यह बाबे नानक का कार्ज है, यह तुहाडा कार्ज है। तुसी आप अगे आओ, तुहाडे विच बहुत शक्ति है, तुहाडे विच परमात्मा का वास है। तुसी उठोगे, तुसी जागोगे, तो यह नारा बुलंद कराओगे, यह नारा बोलोगे कि यह धक्का होर नहीं सहना, गुरद्वारा ज्ञान गोदड़ी वापस लेना। सो साध संगत जी यह नारा बुलंद करो, हुण यह धक्का होर नहीं सहना, ज्ञान गोदड़ी वापस लेना, ज्ञान गोदड़ी वापस लेना। मेरी अरदास दिया जो महाराज जी ने आप कला वरत के, आप महाराज जी यह हुक्म करके सारिया तो यह प्रचार करा रहे ने, आप जी इनिया क बेनतियां प्रवान करो जी। आओ सारे जने गुरु नानक महाराज जी के नाम नाल लगीए। सो बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।